हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल डीजे व्लॉग में। मैं हूं अर्षभ। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेके आया हूं दोस्तों यहां पे ये पावर लाइट्स। बेसिकली दोस्तों ये पावर लाइट्स होने वाली है स्टैंड की तरफ से कुछ अच्छा, यानी कुछ बढ़िया और कुछ हटके आपके लिए लेके आऊँ। और क्या टेस्टिंग है, कैसे चलाना है, बाकी इसके अंदर आपको यहाँ पर वायर्स भी जो है वो मिल जाती हैं। अब ये कैसे कनेक्ट होता है, ये सारे डिटेल्स प्लस DMX को थोड़ा सा ऑपरेट करने का तरीका भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ओवरऑल यहाँ पे वीडियो में प्रोडक्ट भी आपके लिए थोड़ी सी नॉलेज भी और यहाँ पे लाइट्स की क्वालिटी भी आपको देखी जाएगी। तो वीडियो काफ़ी अच्छी होने वाली है। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। चलते हैं वीडियो की तरफ, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइट की बॉक्स पैकिंग। बेसिकली दोस्तों एक सिंगल पीस में भी जो है वो पैक होकर आता है, वो अंदर है, वो जो मैं आपको खोल के दिखाऊंगा। फिलहाल में ये जो है वो टोटल चार पीस की इस टाइप की जो पैकिंग आती है स्टैंड की। यहाँ पे आपको ब्रांडिंग है, BIS मार्क उधर मैंशन रहता है। अगर मैं यहाँ पे साइड की डिटेल्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं मॉडल नंबर भी मैंशन कर रखा हुआ है, SP01 करके। चलिए यहाँ से मैं ये टेप हटाता हूँ और अंदर खोल के दिखाता हूँ। बेसिकली इसका वेट भी सारी चीज़ें जो है वो मेंशन करी गई हैं और टोटल चार पीस है जो इसके अंदर हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये है, देख सकते हैं यहाँ पे ये 1, 2, 3, 4 पीस। और चलिए यहाँ से भी जो कि हमारा मेन यूनिट है ना, हमारा लाइट है, वो मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ और क्या क्या चीज़ें मिलते हैं उसके साथ में, वो भी डिटेल हम देख लेते हैं। तो दोस्तों ये है, देख सकते हैं आपको क्या क्या मटेरियल मिलता है। ये हैं दोस्तों इसके स्टैंड्स, और अगर मैं इनकी क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ काफ़ी अच्छे हैं। थिकनेस जो है वो बेसिकली यहाँ पे ये जो मटेरियल रहता है वो मार्केट में काफ़ी पतला थिकनेस होता है। आप इसको हाथ से यूँ मोड़ नहीं सकते हो, मतलब ऐसे करके यूँ कितने भी आप जान लगा लो नहीं मोड़ सकते हो। साइड में जो है दोस्तों आपको स्टैंड की ब्रांडिंग प्लस यहाँ पे BIS मार्क जो है वो मैंशन रहेगा, ये सकते हैं ये टोटली यहाँ पे मैंशन रहेगा। बाकी इस साइड भी सेम वही चीज़ें हैं। और ये तो दो आपको स्टैंड्स मिल जाते हैं, ठीक है ना। अब इन स्टैंड्स के लिए ये आपको जो कि बोल्ट्स हैं इस टाइप के, ये आपको हैंडल वाले बोल्ट्स भी मिल जाते हैं, तो ये एक पैकेट रहेगा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि ये पेपर वर्क है। अब ये पेपर वर्क में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रहती है, बहुत सारी कोड्स होते हैं, कैसे आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं, ये सारी डिटेल्स आपको इसके अंदर मिल जाएंगी। तो इसको आपको संभाल के रखना है। और लाइट पे दोस्तों यहाँ पे आपको ये पॉली बैग पे भी अगर आप ओरिजिनलिटी की पहचान देखना चाहते हैं हमेशा से, तो यहाँ पे ये स्टैंड जो है वो पॉली बैग पे भी जो है वो मेंशन रहेगा। तो चलिए इसको मैं यहाँ से निकाल के दिखा देता हूँ। अभी मैं ये स्टैंड को इस लाइट पर फिट करता हूँ, उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं। तो दोस्तों अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं पावर लाइट, और यहाँ पे दोस्तों हर एक LED 3 वाट की यूज करेगी। टोटल अगर मैं LEDs की काउंट की बात करूँ तो दोस्तों इसके अंदर यूज करेंगे 60 LEDs, तो यानी 60 × 3 वाट LEDs इसके अंदर यूज करे गए हैं। बाकी दोस्तों इस हिसाब से इसको डिजाइन करा गया, जैसे कि आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा सेफ्टी के साथ में, अगर फ्रंट से गिरता है तो ये पूरा सेफ्टी रहे चेसी के साथ में। प्लस अगर मैं थोड़ा सा साइड में आपको लुक अगर इसका दिखाना चाहूंगा तो आप यहाँ पे जो है वो साइड में भी लुक देख सकते हैं। अगेन जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया था कि स्पेस स्टैंड की ब्रांडिंग है, यहाँ पे भी आपको स्टिकर देखने को मिलता है स्टैंड के साथ में इसका, SP01 जो है वो मॉडल नंबर यहाँ पे मेंशन करा गया है। बाकी वेंटिलेशन जैसे कि आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा वेंटिलेशन दिए गए हैं, यहाँ पे भी साइड में भी वेंटिलेशन देखने को मिलते हैं। अभी अंदर आप देख रहे हैं ये दोस्तों चमकीला सा यानी सिल्वर सा, ये बेसिकली हीटसिंक दिया गया है इसके अंदर, और फैन भी लगाया गया है स्पेशली। अगर मैं यहाँ पे पीछे की साइड की बात करूं तो थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखा देता हूं क्या क्या डिटेल्स जो है वो हम मिल जाती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पे तो आपको एक ये जो कि LED डिस्प्ले होती है वो आपको दी जाती है, देख सकते हैं यहाँ पे ये 4 नंबर्स वाली। इसमें आपको मेन्यू अप डाउन एंटर का जो है वो यहाँ पे देखने को मिलते हैं ये बटन्स। बाकी यहाँ पे ये डिटेल्स जो है वो मेंशन करेगी कितने से लेके कितने वोल्टेज पे वर्क करेगा। बाकी इसके अंदर 2 इनपुट और 2 आउटपुट, यानी एक जो है वो आपका इलेक्ट्रिसिटी वाला इनपुट दिया गया है, एक आपका इलेक्ट्रिसिटी वाला आउटपुट दिया गया है। जैक की अगर मैं बात करता हूँ, चलिए मैं आपको ये चारों जो है वो कनेक्टर्स दिखा देता हूँ कि किस टाइप से जो है वो आपको मिलते हैं। तो ये है दोस्तों इसके जो कि चारों कनेक्टर्स हैं, ये आप देख सकते हैं ये हो गया, ठीक है ना। दो तो आपको ये XLR मेल फीमेल मिल जाते हैं, और दो तो ये आपको 2 पिन प्लग जो है वो मेल फीमेल दोनों मिलती है। अगर आपको एक आपने ये जो कि है ये वाला जो है वो आपने प्लग कर दिया उसके अंदर आपके बोर्ड के अंदर, और एक से आप जो है वो यहाँ पे अटैच कर सकते हैं किसी और लाइट को, जैसे कि मैं यहाँ पे इसको कनेक्ट कर देता हूँ, देख सकते हैं ये हो गया अटैच,
तो ये इजिली आप और भी लाइट्स को जो है वो अटैच कर सकते हैं इसी तरीके से। इसी प्रकार से दोस्तों आपको ये जो XLR है, ये जो XLR भी दिए गए हैं, ये भी आप इसी प्रकार से जो है वो अटैच भी कर सकते हैं किसी को भी। ये देख सकते हैं यहाँ से मैंने ये अटैच कर दिया, तो इस प्रकार से ये। बाकी इनकी अगर मैं क्वालिटी की बात करूँ, ये टूटने वाला नहीं है, ये काफ़ी अच्छा है प्लास्टिक इसका। और ओवरऑल ये है इसका पूरा का पूरा बैक लुक। और चलिए बाकी डिटेल्स कुछ रहती हैं वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ उसकी। तो दोस्तों कैसे लगी आपको यहाँ पे अनबॉक्सिंग और बाकी डिटेल्स हमारी इसी लाइट की, मुझे उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगा। बाकी दोस्तों यहाँ पे अभी हम कुछ और बात कर लेते हैं इन्हीं लाइट को लेके। दोस्तों अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ सबसे पहले बिल्ड क्वालिटी, अब आप ये सोच रहे होंगे कि बाकी मार्केट के जो कि ब्रांड्स हमें लाइट दे रही हैं या फिर इस स्पेसिफिकेशंस वाली दे रही हैं, उनमें और इनमें फ़र्क क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों जो कि मेटल होता है, यहाँ पे अगर मेटल आप देखेंगे आपको सेम टू सेम कॉपी मिल जाएगा, लेकिन अगर मेटल की थिकनेस देखेंगे, मेटल की क्वालिटी देखेंगे, तो आपको यहाँ पे फ़र्क आ जाएगा समझ में कि एक्चुअल में स्टैंड आपको क्या चीज़ दे रहा है और एक्चुअल में यहाँ पे मार्केट के ब्रांड्स आपको क्या दे रहे हैं। बाकी रहती है बात यहाँ पे वायर तक भी क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है और काफ़ी सारी चीज़ों को यहाँ पे सोच समझ के बनाया गया है इसके साथ में। अगेन मैंने भी काफ़ी सारे लाइट्स को यूज़ कराया, पीछे मेरे कुछ बैकग्राउंड्स भी लगी है। अगर मैं ये बैकग्राउंड वाले लाइट को भी अगर मैं यहाँ पे तीन लगा दूंगा और एक ये लगा दूंगा तो बराबर ही बैठेगा। प्राइसिंग भी अगर देखा जाए तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुझे फ़ायदा देगी ये। क्यों? क्योंकि अगर ये तीन के मुकाबले अगर एक लाइट जल रही है और एक लाइट की अगर मार्केट की लाइट की कॉस्टिंग मुझे यहाँ पे 1800-1600 या फिर 2000 भी अगर पड़ रही है और इस लाइट की कॉस्ट मुझे सिर्फ और सिर्फ दो लाइट के प्राइसिंग पर पड़ रहा है, तो मैं ये क्यों ना लूँ। बाकी यहाँ पे बात करते हैं इसकी टेस्टिंग का और बाकी डिटेल्स का, हम कैसे टेस्ट करने वाले हैं और आपको उस लाइट को कैसे कनेक्ट करना चाहिए, यानी वायर्स को कैसे कनेक्ट करना चाहिए, वो भी मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में डिटेल्स दे देता हूँ। तो चलते हैं यहाँ पे अभी हम टेस्टिंग देख लेते हैं कैसी करती है, परफॉर्मेंस कैसा है इसका, पूरा का पूरा लाइट का ग्लो वो चीज़ हम यहाँ पे जान लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ टेस्टिंग के लिए, तो अभी मैं आउटडोर में टेस्ट कर रहा हूँ। पीछे अभी आप देख सकते हैं मैंने एक छोटा सा ट्रस सेटअप जो है वो बना रखा है, स्टैंड वाला टाइप का जो होता है उस टाइप का बना रखा है। और फिलहाल में मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कि हम लाइट के साथ में कनेक्शन कैसे कर रहे हैं, वायर आपको कैसे कनेक्ट करनी है। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं कि मेरे पास 1, 2, 3, 4 लाइट्स, आप देख सकते हैं ये टोटल 4 लाइट्स यहाँ पे लगा रखी हैं, किस टाइप से लगा रखी हैं। अभी मैं आपको पहले दिखा देता हूँ इसमें पावर और XLR कैसे कनेक्ट करनी है। तो यहाँ पे ये टोटल 4 वायर्स आपको मिलेंगी, 2 तो ये आपकी पावर अप की हो गई है और 2 तो ये आपकी XLR वाली हो गई है। अब करना क्या है कि दोस्तों यहाँ पे ये जो कि पावर अप वाली केबल है, ये इसके आउटपुट वाले से यहाँ से इसको लगा देनी है कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना। और यहाँ पे XLR वाली जो कि आपकी ये वाली केबल है, ये आपको लगा देनी है इसके फीमेल मेल को मैच कर देना है बिल्कुल ही कुछ इस प्रकार से, ये देख सकते हैं ये हो गया, ठीक है ना, ये कनेक्ट हो गया। अब यही चीज़ सीक्वेंस आपको लेके चलना है आपके दूसरी वाली लाइट पे, सेम मैं इसके साथ में मेल फीमेल को दोनों को मिक्स करके यहाँ पे लगा दूंगा। ये आपको जो है वो ये देख सकते हैं यहाँ पे ये मेंशन रहेगा, दोनों तीर बना रहेगा कि हाँ आपको इससे मैच कर देना है, ठीक है ना। तो ऐसे ही सारे को कनेक्ट करता हूँ मैं एक एक करके और उसके बाद मैं मिलता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे अभी देख सकते हैं मैंने वायर कनेक्ट कर चुका हूँ, ये पैच है यहाँ पे देख सकते हैं, ये XLR हो गया, ये वाले का हो गया देख सकते हैं, ठीक है ना, और यहाँ वाले का भी हम ये कनेक्ट कर चुके हैं एक से एक को। अब हमारे लाइट पे जो कि आखिरी वाला छोर है वो ये दो बचेंगे आपके पास, एक XLR आपका बचेगा, एक बचेगा आपका ये 2-पिन प्लग। अब ये 2-पिन प्लग जो है वो मैं यहाँ आप देख सकते हैं ये पीछे मैं इनपुट कर दिया मैंने, और ये वाला जो केबल रहेगा दोस्तों वो आपके ये पीछे देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है DMX पे, ये पीछे इनपुट हो जाएगा। अभी यहाँ पे दोस्तों DMX पे मैंने इनपुट तो कर दिया है, लेकिन यहाँ पे आपको DMX पे लाइट को लाना पड़ेगा, वो है 001 पे आपको इसको नंबर पे लाना होगा, वो मैं आपको यहाँ पे अभी दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आपको DMX पे लाने के लिए करना क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये आपकी लाइट हो जाती है, अभी यहाँ पे दोस्तों आपको ये मेन्यू पे क्लिक करना है, ये मेन्यू पे क्लिक करा मैंने। अब अपने मेन्यू पे क्लिक करने के बाद अप करना है, ये देख सकते हैं ADDR, ये है एड्रेस, एड्रेस पे आपको एंटर प्रेस करना है, मैंने एंटर प्रेस करा। अब यहाँ पे ये 001 सेलेक्ट होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए ये तो 512 है, अब ये 6 पे हुआ तो भी नहीं चलेगा, ये 7 पे हुआ तो भी नहीं चलेगा, आपको इसको डाउन करके 001 पे ही लाना है और एंटर प्रेस करना है। इसके बाद ये ओके यस का साइन आ जाएगा, ये वाला हमारा सेट हो गया है।
इस वाले को भी जो है वो हम यहाँ पे कर लेते हैं, मेन्यू में जाते हैं, एड्रेस देख लेते हैं किधर है, ये रहा हमारा एड्रेस, एंटर 001 एंटर हो गया। अब हमने करना क्या है कि ये हमारा तो हो गया, अब मैं DMX को यहाँ से ऑन करता हूँ, ये मैंने ऑन करा, ऑन करने के बाद अपने आप बैकग्राउंड पे लाइटें बंद हो जाएंगी, जो भी चल रहा होगा प्रोग्राम वोग्राम सब खत्म हो जाएगा। अब ये वाला जो बटन है आपका प्रेस 1 को दबाना है, ये वाले दो फेडर को आपके इस साइड के हाथ के दो फेडर को अप करना है, पीछे के बैकग्राउंड की लाइट सारी चालू हो चुकी हैं, देख सकते हैं सारी चालू हो गई हैं, ये देखिए 1, 2, 3, 4 रेड हो गई हैं। चलिए इनमें कलर चेंज करके दिखाता हूँ क्या है क्वालिटी, ये देख सकते हैं ये वाइट अमेजिंग है, बिल्कुल मतलब अमेजिंग लग रहा है, देख सकते हैं आप यहाँ पे, और काफ़ी अच्छा है। बाहर एक बार दिखा दो, एक बार बाहर पूरा दिखा दो लाइट से, ये सकते हैं गाइस काफ़ी अच्छा लग रहा है। और चलिए मैं इस पर कलर चेंज करता हूँ एक बारी, मैं आपको कलर चेंज करके भी एक बारी दिखा देता हूँ, इस पर डालते हैं, ये तो आपका फेड हो गया, ये सकते हैं ये हल्का सा येलो एंड वाइट पे जा रहा है, ये आपका गुलाबी हो गया पिंक, चलिए और कलर चेंज करके देखते हैं, ये ग्रीन हो गया आपका, ग्रीन डाउन हो गया, ये सकते हैं, और इस पर आपको फेड लाना है, फेड कर सकते हैं आप जितना तेज करना चाहें। अब इसमें फेड में जो है वो आप देख सकते हैं कलर चेंज भी कर सकते हैं, तो मैं कलर चेंज कर रहा हूँ धीरे धीरे, ये सकते हैं, ठीक है ना, बहुत अच्छी लाइट है ये देखिए, अमेजिंग अमेजिंग, ये देखिए पूरा मतलब अलग ही लग रहा भाई ये तो। चलिए ये तो हो गया, काफ़ी ज़्यादा जो है वो ब्राइट है, ये देख सकते हैं यहाँ से लाइट अप एंड डाउन है, और भी सारी चीज़ें हैं, ये देख सकते हैं कलर लेके आता हूँ मैं एक आध कुछ और, ये रेड हो गया, रेड बहुत ज़्यादा अच्छा डार्क है, मतलब प्योर रेड डार्क है ये देख सकते हैं, मतलब कहीं पे वो कोई वो नहीं है, ये कलर चेंज है मैंने डाल दिया इस पर ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा। जो आप DMX पे कर रहे हैं वो सारी चीज़ें आप इस पर भी कर सकते हैं, डायरेक्ट उस पर भी कर सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है कि आपने DMX पे करना है। और ये तो खैर DMX में चला रहा हूँ, आप पायलट पे चला सकते हैं, आपके पास मिनी पल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, फिलहाल में 4 लाइटें हैं, बहुत कम है ये एक, लेकिन स्टार्टअप के लिए बहुत अच्छी है ये लाइटें। 3 लाइट जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2 या 3 लाइट अगर आप लेते हैं मार्केट की, एक लाइट में काम हो जाएगा। अब यहाँ पे इसकी क्वालिटी आप देख चुके हैं, कैसे फिट करना था कैसे लगाना था वो भी दिखा चुका हूँ। रहती है बात दोस्तों यहाँ पे इसके परचेजिंग, बाकी डिटेल्स चलिए वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। इसीलिए कि टेस्टिंग हो कैसे लगा इसका परफॉर्मेंस जरूर नीचे कमेंट्स बताना। बाकी दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप इसको इतने ईजिली जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं, ईजिली इसलिए कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर आपको इनबिल्ट वॉइस जो है वो मिल जाती है, तो कोई भी अलग से आपको सर्किट बनाने की जरूरत नहीं है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, या फिर वायर परचेज करने की जरूरत नहीं है। एक अगर मैं नॉर्मली अगर मैं बात करता हूँ वायर की, अगर आप वायर परचेज करते हैं 1 मीटर का, तो लमसम आपको 150 से 200 रुपए पे करना पड़ता है, और 2 वायर तो आपको चाहिए, तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज़्यादा जो है वो सेविंग्स हो जाती है इन लाइट्स को लेने के बाद। बाकी सर्किट्स भी बचता है, प्लस यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें वो शॉर्ट सर्किट, जैसे कि अगर आपका ट्रस पे है कहीं से वायर कट गई है जो कि आप सर्किट बनाते हैं, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेंजरस रह जाता है वो सीन, क्योंकि ये मैंने जो है वो फेस करे हैं ये कुछ प्रॉब्लम जो मैं आपको यहाँ पे अभी बता रहा हूँ। बाकी रहती है बात इनकी लाइट्स की क्वालिटी, अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ। अगर एक IPS LCD वाला अगर आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, और एक फ़ोन यूज़ कर रहे हैं आप AMOLED डिस्प्ले वाला, तो दोनों में आपको कंपेयर में पता लग जाएगा कि AMOLED की क्वालिटी क्या है और IPS LCD डिस्प्ले की क्वालिटी क्या है। तो वही है, एक तरफ आईफोन है और एक तरफ आपके पास यहाँ पर कोई एंड्रॉयड फ़ोन है, तो इस तरीके से जो है वो आप कंपैरिजन कर सकते हैं लाइट्स की क्वालिटी में भी। बाकी ओवरऑल परचेजिंग डिटेल्स कहाँ से अवेलेबल होगा, तो दोस्तों आपको ये स्टैंड का कस्टमर केयर नंबर शो हो रहा होगा, आप यहां से जाके जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने नियरेस्ट डीलर्स से भी अगर आप लेना चाहते हैं तो वहां पे जाके आप इसकी टेस्टिंग प्लस परचेज दोनों कर सकते हैं। बाकी आपके कुछ क्वेरी या क्वेश्चन हो नीचे आपके लिए डिस्क्रिप्शन या फिर आपके लिए कमेंट सेक्शन में रखूँगा तैयार, आप जाके जो है वो वहाँ पर अपने कमेंट्स डाल सकते हैं और कुछ क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। और बाकी दोस्तों वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, ज़्यादा चैनल सब्सक्राइब करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। मिलता हूँ किसी एक अच्छी वीडियो में, जब तक ले जय हिंद वंदे मातरम।